वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो गया सबको दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि सभी को ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर अच्छे होंगे, जिससे भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यार आज की सीन कुछ ऐसी है कि आज हम जा रहे हैं लाहौर शाह किले पे। जो मेरे मामू हैं ना, वो हम सबको लेके जा रहे हैं, सारे कज़न आए हुए हैं, तो वो हम सबको टूर पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आप रहिए मेरे साथ और देखिए कि आगे क्या क्या होता है। तो गाइस अब मेरी खाली जगह आ गई है। ठीक है, अब हम निकलने लगे हैं, तो तुम लोग दिखाती हूँ। हाय, हम वॉल सिटी लाहौर को विजिट करने जा रहे हैं आज, देखें क्या कितना मज़ा आता है। अब हम निकल रहे हैं। ठीक है, एज यू कैन सी दूर तुम लोग छीनना कोई चीज के लिए जमाना है। नहीं लेके जाता क्या हो गया है ये इतना बैठा। ये मामू की गाड़ी है, ये वाली आ रही हूँ। इधर रस्ते का बिल्कुल पता नहीं चला। वो कह रहे हैं यहाँ पे आ जाओ, हम कह रहे हैं हम यहाँ पे खड़े हैं पहले से। ठीक है, अब हम वापस जा रहे हैं। कह रहे हैं वहाँ पे मामू खड़े हैं। अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब हम इधर शाही किले में पहुंच चुके हैं और मैं आप लोगों को उनकी गलियों की सैर करवा रही हूँ। और ये है रंगीले रखे, हम इनमें बैठेंगे। ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी साथ। अब हम पहुंच चुके हैं, एज यू कैन सी। अब यहाँ से हमने अपना विजिट स्टार्ट कर दिया था और हमारे साथ भाई थे जो हमें गाइड कर रहे थे और बता रहे थे कि हिस्ट्री में यहाँ पे क्या था। वो असल में अब मौसम नहीं है ना, तब बहार का मौसम था जब हम आए थे। हम 31 मार्च को आए थे। और फिर यहाँ पे हमें कुछ टाइम मिला था अपनी फोटोज क्लिक करने के लिए। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे वो हमें बताएंगे कि शीश महल बनाने के पीछे क्या हिस्ट्री थी।
उन्होंने एक ख्वाब देखा कि वो बादलों के ऊपर चल रही हैं और चांद तारे जो हैं उनके इर्द गिर्द हैं, तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए चश्मा बनवाया गया। और उस वक़्त हम जिन टाइल्स पे खड़े थे उनको संगे बादल कहा जाता है, क्योंकि इनकी मुशाबहत जो है वो क्लाउड से होती है, इसलिए इनको संगे बादल कहा जाता है। और ये बेसिकली उनका बेडरूम था, और जब वो बेड पे लेटती थी तो उनको ऐसा व्यू आता था कि वो स्टार्स को देख रही हैं, स्टार्स उनके ऊपर हैं। और ये जो खिड़की है, यहाँ से मलका और बादशाह व्यू देखा करते थे। 100 साल पहले यहाँ से दरियाए रावी गुजरा करता था और वो व्यू इंजॉय करते थे। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं क्या। और बेसिकली इसको नौलखा कहा जाता है, क्योंकि जो क्वीन था उसका क्राउन की शेप इस तरह थी, तो बादशाह ने उसको शेप दी और इस पे 9 लाख लगा, इसलिए इसको नौलखा कहा जाता है। और वैसे भी उस दौर के तो 9 लाख अब इस दौर के अरब खरब में होंगे। इसमें 110 के करीब स्टोन्स लगाए गए हैं। इसकी तस्वीर 1 रुपए के नोट के पीछे होती थी। इधर अब हमारी ग्रुप फोटो होगी, फोटो सेशन भी हो रहा है, एंजॉय भी हो रहा है, ठीक है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है। और साथ साथ भैया हमें गाइड भी कर रहे हैं ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है। इस वक्त हम नाल के लिए मौजूद हैं, अब हम जा रहे हैं बाई टाइम बाई जाकर मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। और सामने जो आप देख रहे हैं दीवाने खास है 1634 में वजीर खान, जो कि लाहौर के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने शाहजहां को फरमान गिफ्ट किया था। ये वाइट मार्बल पे बना हुआ है, जैसे आज के दौर में पार्लियामेंट हाउस होते हैं, नेशनल असम्बलीज होती हैं, ये उस दौर का पार्लियामेंट हाउस है। इसे दीवाने खास कहा जाता है, खास लोगों की मीटिंग की जगह। अगर आते थे उनसे बैठ के यहाँ पर मीटिंग की जाती है। इसके सेंटर में फाउंटेन था, जेंट्स लगे हुए थे, रोज पेटल उसमें होते और दिए जलाए होते और जो है वो खुशबू वाला पानी। तो आए हम आगे चलते हैं, अगर आपने यहाँ पे तस्वीर बनवानी है ग्रुप। ये उनकी हवेली है जो कि सिख म्यूजियम में कन्वर्ट हो गई हुई है, लेकिन 4 बजे बंद हो जाता है। किस पे कन्वर्ट होगी? सिख म्यूजियम तलवारें पड़ी हैं, कमान पड़े हैं। ग्रुप है आफ्ताब के कुछ सीन्स मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता। फाइनली हम इस वक्त रिक्शे में बैठ चुके हैं ठीक है, अब जब ये चलेगा तो फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। ये इसका इधर इस लड़की का यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है। इधर है लालू, माल को भी दो, माल को भी दो नूर, एक बार में दोबारा नहीं नूर ये क्या हो गया? ओए मुझे भी दो यार टिश्यू। हाँ तो मेकअप हो गया। और ये थी उनकी स्टीम बाथ, इनमें गर्म पानी आता था और फिर वो नहाते थे। स्पेशली सर्दियों में, ज़ाहिर बात है सर्दियों में ठंडा पानी ज़रूरत होती है नहाने के लिए, तो फिर इस तरह वो नहाते थे।
इस वक्त हम शाही हमामे में तुम लोगों को एक चीज़ दिखा दी है, ठीक है, अंदर, ठीक है, वो जो उनके स्टेम पाथ थे उनके वॉशरूम से एक एक चीज़ हमाम उनको कहते हैं, ठीक है, वॉशरूम होता है। और गाइस ये उनकी टॉयज थे। ये से आती है ब्रो। सो गाइस एज यू कैन सी गेट पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ठीक है, और इस वक्त हम ट्रैफिक में बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं, ठीक है, और फिर जब हम दोबारा चलेंगे फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। अरे वो खड़े हैं, हम लोग को तो आ गए नहीं, जिधर हमारा फोटो सेशन एक्चुअली चल रहा है सड़क के ऊपर ही, सड़क के ऊपर ही गाइस। तो अभी चाय आइए गाइस, हम पीने लगे हैं सड़क पे। और ये वो भी बैठ के रिक्शे में। आंटी अपनी भी दिखाएं, भी करो, चलो जी। यार देखो बस चेक कर, फोक चेक। शोर ना करो, आंटी कह रही है मेरे उठा उठा के इतनी धुंध है ना, कसम से फ्लैश ऑन करनी पड़ रही है यार। ये रुमान का मुंह भी मुश्किल से आ रहा है। व्लॉगर दे रखा, व्लॉगर ने व्लॉग, व्लॉगर व्लॉग कैरी डोंट इसने यार। अंकल लेते जाए, लेते जाए, यानी भाई आगे चले गए। नॉट व्यू है जैसे मैं कहीं भी आ गए, तुम अकेले चले आ गए, तुम अकेले तो बड़ा प्यारा व्यू आएगा। ओए रुमान सो जाओ, गाइस ये सो रहे हैं। आपकी आपकी यूट्यूबर आएंगे, ब्लॉग 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 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको ऐसे अच्छा सो रही। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच सेफली, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके हैं। आज बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा, रास्ते में एक एक्सीडेंट भी हुआ, मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली घर पहुंच चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब किए बगैर ना मेरी वीडियो मत देखा करो, पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर बेशक गया जितनी मर्जी बात देखो, ठीक है। फिर मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट न्यू कंटेंट के साथ, डिफरेंट कंटेंट के साथ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। हम जो पता है मैं रेगुलर पोस्टिंग नहीं कर रही, लेकिन जब मैं पोस्टिंग कर रही हूँ तो अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है, यानी वो इंटरेस्टिंग होता है, मज़े का होता है, देखने के काबिल होता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू बी इम्प्रूव माई कॉन्टेंट डे बाई डे एंड होप यू गाइज आर लविंग माई कॉन्टेंट। इफ़ यस सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन, ठीक है। तो फिर मिलता है तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड बाय।